छी छी, मम्मी देखो यह ब्रेड पर क्या लगा है। ओहो, इस पर तो फफूंदी लगी हुई है। आप ब्रेड मत खाओ, दूध पी लो। आओ मैं दूध गर्म कर देती हूँ। ओ नो बेटा, दूध भी खराब हो गया है। मम्मी, दूध कैसे खराब हो गया? मुझे तो भूख लगी है, कुछ भी खाने के लिए दो। अच्छा, अब जलेबी ही दे दो जो रात को लाए थे। जलेबी? वो तो रात को ही खत्म हो गई थी। मम्मी, तो क्या हुआ? आप आज घर में ही जलेबी बना दो। बेटा, जलेबी ऐसे नहीं बन सकती, इसके लिए खमीर चाहिए। मम्मी, खमीर क्या होता है? प्रयास, क्या हो रहा है? दीदी, भूख लगी है, ब्रेड खराब हो गई है और दूध भी। मम्मी को कहा जलेबी बना दो तो मम्मी कह रही हैं खमीर नहीं है, क्या खाऊं क्या खाऊं। ये बिस्कुट खा लो। दीदी, क्या आप बता सकती हो यह ब्रेड पर क्या लगा हुआ है? दीदी, दूध क्यों खराब हो जाता है? और मुझे खमीर के बारे में भी बताना। आओ मैं समझाती हूँ। हमारे वातावरण में विभिन्न प्रकार के बहुत से ऐसे छोटे छोटे जीव पाए जाते हैं जो नग्न आंखों से नहीं दिखाई देते। इन्हें सूक्ष्म जीव कहते हैं। इन्हें देखने के लिए हमें सूक्ष्मदर्शी यंत्र की आवश्यकता होती है। सूक्ष्म जीवों को चार मुख्य भागों में बांटा गया है। जीवाणु यानी बैक्टीरिया, जैसे बेसिलस, स्पाइरिलम, कोकाई, विब्रियो। दूसरा वर्ग है कवक यानी फंजाई, जैसे ईस्ट, पेनिसिलियम, एस्परजिलस, राइजोपस। तीसरा वर्ग है प्रोटोजोआ, जैसे युग्लिना, अमीबा, पैरामीशियम, ट्रिप्नोसोमा। और फिर है शैवाल यानी एल्गी, जैसे क्लेमाइडोमोनास, यूलोथ्रिक्स, वॉल्वॉक्स और स्पाइरोगाइरा। इनके अतिरिक्त एक और वर्ग है विषाणु यानी वायरस, जैसे HIV, जीवाणु भोजी यानी बैक्टीरियोफेज, पोलियोमाइलिटिस, टोबैको मोजेक वायरस। कुछ सूक्ष्म जीव एक कोशिक होते हैं, जैसे जीवाणु, कुछ शैवाल जैसे क्लेमाइडोमनास और प्रोटोजोआ जैसे पैरामीशियम। इसके अतिरिक्त कुछ सूक्ष्म जीव बहुकोशिक होते हैं, जैसे शैवाल स्पाइरोगाइरा और कवक राइजोपस। दीदी, यह सूक्ष्म जीव कहाँ रहते हैं? सूक्ष्म जीव बर्फ से लेकर गर्म स्रोतों तक प्रत्येक परिस्थिति में रह सकते हैं। ये मरुस्थल व दलदल में भी पाए जाते हैं। कुछ सूक्ष्म जीव मनुष्य और जंतुओं के शरीर के अंदर पाए जाते हैं। वायरस केवल जीवित कोशिका में ही गुणन कर सकता है, जैसे जीवाणुओं में, पेड़ पौधों में या जंतुओं में। अच्छा, अब ये ब्रेड पर लगी फफूंद, ये क्या है? यह भी सूक्ष्म जीव ही है जो ब्रेड को खाने योग्य नहीं रहने देती। इसी प्रकार दूध भी सूक्ष्म जीव के कारण ही खराब होता है। दीदी, क्या सूक्ष्म जीव हमारे लिए उपयोगी भी हैं? हाँ, सूक्ष्म जीव अनेक प्रकार से हमारे काम आते हैं, जैसे यह वातावरण को साफ रखते हैं। उदाहरण के लिए
जीवाणु कार्बनिक अवशिष्ट जैसे सब्जियों के छिलके व विष्ठा का अपघटन करते हैं। तुम जानते हो कि मरे हुए जीवों को जीवाणु ही अपघटित करके इनके अवयवों को वातावरण में वापस पहुंचाते हैं। जीवाणुओं का उपयोग औषधि उत्पादन में भी किया जाता है। जीवाणु ही दूध को दही में बदल देते हैं। दूध का दही बनाना है, यह कैसे बनता है? दूध को हल्का गुनगुना गर्म करते हैं और फिर उसमें थोड़ा सा दही मिला देते हैं। दही में अनेक सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं जिनमें लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु प्रमुख है, जो दूध की शर्करा को अम्लीय पदार्थ में बदल देता है और दूध गाढ़ा होकर दही में बदल जाता है। जीवाणु पनीर अचार आदि के बनाने में भी सहायक होता है। प्रयास, आपने देखा होगा जब मम्मी भटूरे बनाती हैं, तो मम्मी मैदा को बर्तन में लेती हैं और उसमें कुछ मात्रा में यीस्ट पाउडर मिलाकर उसे गूंथती हैं। जानते हो यीस्ट भी एक सूक्ष्म जीव है। लगभग 2 घंटे में गुथी हुई मैदा फूल जाती है। वास्तव में इसमें यीस्ट तीव्रता से जनन करते हैं। यीस्ट श्वसन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पादित करते हैं और इस गैस के बुलबुले खमीर वाले मैदा का आयतन भी बढ़ा देते हैं, यानी उसे फुला देते हैं। जलेबी बनाने में भी यीस्ट का प्रयोग इसीलिए किया जाता है जिससे वह हल्की और फूली हुई बने। इसी प्रकार से भटूरे, केक, पेस्ट्री आदि भी बनाई जाती हैं। दीदी, क्या सूक्ष्म जीवों को किसी और काम में भी लेते हैं? हाँ, सूक्ष्म जीवों का उपयोग अनेक अन्य कार्यों में भी किया जाता है, जैसे सूक्ष्म जीवों का वाणिज्यिक उपयोग। लुई पाश्चर ने चीनी से अल्कोहल का निर्माण किया और इस प्रक्रिया को किण्वन प्रक्रिया कहा गया। आओ हम करके देखें। एक बीकर में लगभग 300 से 400 मिलीलीटर पानी लेते हैं और उसमें 3 से 4 चम्मच चीनी घोलते हैं। तथा इस विलयन में 1/2 चम्मच यीस्ट पाउडर यानी सूक्ष्म जीव डालते हैं। अब हम 4-5 घंटे बाद देखते हैं। देखा प्रयास, विलयन में से अल्कोहल की गंध आ रही है। इसी प्रकार से एसिटिक एसिड का निर्माण किया जाता है। अब समझ में आया। और इस प्रकार जौ, गन्ने व फलों के रस में उपस्थित प्राकृतिक शर्करा का सूक्ष्म जीवों द्वारा अल्कोहल में बदलने की प्रक्रिया को किण्वन यानी फर्मेंटेशन कहते हैं। सूक्ष्म जीवों का औषधीय उपयोग। सन 1929 में जब अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जीवाणु रोगों से बचाव हेतु संवर्धन प्रयोग कर रहे थे, तो उन्होंने अपनी प्रयोगशाला में तश्तरी पर फफूंद के छोटे छोटे बीजाणु देखे। उन्होंने पाया संवर्धन की फफूंद जीवाणु की वृद्धि को रोकते हैं या उन्हें मार देते हैं। इस प्रकार हरे फफूंद से पेनिसिलिन नामक औषधि का निर्माण किया गया। इस प्रकार बनी औषधि प्रतिजैविक यानी एंटीबायोटिक कहलाती है। इस प्रकार अब अनेक प्रतिजैविक औषधियों का निर्माण हो रहा है, जैसे स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, एर्थ्रोमाइसिन आदि। सूक्ष्म जीवों का एक अन्य प्रयोग है वैक्सीन यानी टीका बनाने में। प्रयास, आपने देखा होगा जब बच्चे छोटे होते हैं तो उन्हें कुछ टीके लगाए जाते हैं जो बीमारियों से उनकी रक्षा करते हैं। पोलियो से बच्चों को बचाने के लिए पोलियो ड्रॉप दी जाती है। जब पहली बार सूक्ष्म जीव
हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं तो हमारा शरीर उनसे लड़ने के लिए शरीर में प्रतिरक्षी उत्पन्न करता है। यह शरीर को याद भी रहता है। यदि वही सूक्ष्म जीव बाद में हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं तो उनसे किस प्रकार लड़ा जाए यह हमारा शरीर पहले से जानता है। यदि टीके द्वारा मृत या निष्क्रिय सूक्ष्म जीवों को स्वस्थ शरीर में प्रवेश कराया जाता है तो शरीर की कोशिकाएं उसी के अनुसार लड़ने के प्रतिरक्षी उत्पन्न करके रोगवाहक को नष्ट कर देती है। हैजा, क्षय, चेचक तथा हेपेटाइटिस आदि रोगों से लड़ने के लिए इसी सिद्धांत पर बने टीकों का प्रयोग किया जाता है। क्या तुम जानते हो एडवर्ड जेनर ने सन 1798 में चेचक के टीके की खोज की थी। पिछले कुछ वर्षों से चेचक के विरुद्ध विश्वव्यापी अभियान चलाया गया है जिसके परिणाम स्वरूप विश्व के अधिकांश भागों से चेचक उन्मूलन हो गया है। सूक्ष्म जीवों का एक अन्य प्रयोग है भूमि की उर्वरता बढ़ाने में। पेड़ पौधे वायुमंडलीय नाइट्रोजन का सीधे उपयोग नहीं कर सकते। कुछ जीवाणु व नीले हरे शैवाल वायुमंडल की नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करके मृदा की उर्वरता में वृद्धि कर देते हैं। पर्यावरण का शुद्धिकरण करने में प्रयास, आपने देखा होगा सड़कों पर कूड़ा डालने के लिए दो बड़े बड़े कूड़ेदान लगे होते हैं। उनमें से एक हरे रंग का होता है तो दूसरा नीले रंग का। कहा जाता है कि जैव निम्नकरणीय पदार्थ हरे रंग के कूड़ेदान में डालते हैं और जैव अनिम्नकरणीय पदार्थ नीले रंग के कूड़ेदान में। जानते हो जैव निम्नकरणीय और जैव अनिम्नकरणीय पदार्थ क्या होते हैं? चलो इसको समझने के लिए हमें क्रियाकलाप करते हैं। यह दो गमले लेते हैं ए और बी। प्रत्येक गमले को मिट्टी से आधा भर लेते हैं। गमले ए में हरी पत्तियां जबकि बी गमले में कांच और प्लास्टिक के टुकड़े डालते हैं। हम लगभग 25-30 दिन बाद हम देखते हैं कि गमले बी के सामान में कोई परिवर्तन नहीं हुआ जबकि गमले ए में रखा सामान सड़ जाता है, जिससे सिद्ध होता है कि पत्तियां, पादप अपशिष्ट आदि को सूक्ष्म जीव ने अपघटित कर दिया और ये पदार्थ जैव निम्नकरणीय पदार्थ कहलाते हैं। और जिनको सूक्ष्म जीव अपघटित नहीं करते उन्हें जैव अनिम्नकरणीय पदार्थ कहा जाता है। इस प्रकार सूक्ष्म जीव पदार्थ का अपघटन कर हमारी मदद करते हैं। जीवाणुओं द्वारा अपघटन के कारण ही यह पदार्थ खाद में बदल जाते हैं। इसी प्रकार आपने देखा होगा कि सड़कों पर कुछ जीव और पादप सड़ते हुए दिखाई देते हैं और कुछ समय बाद हमें दिखाई ही नहीं देते। क्या वे विलुप्त हो जाते हैं? इसका अर्थ है कि इन्हें सूक्ष्म जीवों ने अपघटित करके सरल पदार्थों में बदल दिया। दीदी, सूक्ष्म जीव हमारे लिए लाभदायक है, यह बात तो मुझे समझ आ गई है, लेकिन क्या सूक्ष्म जीव हमारे लिए हानिकारक भी होते हैं? समझाओ तो जरा। आओ तुम्हें समझाती हूँ। कुछ सूक्ष्म जीव मनुष्य, जंतुओं और पौधों में रोग उत्पन्न करते हैं। इन्हें रोगाणु या रोगजनक कहते हैं। यह सूक्ष्म जीव हमारे शरीर में किस प्रकार प्रवेश करते हैं? मनुष्य में रोग कारक सूक्ष्म जीव। रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीव मनुष्य के शरीर में श्वास द्वारा, पानी एवं भोजन द्वारा प्रवेश करते हैं। कभी कभी संक्रमित व्यक्ति या जंतु के सीधे संपर्क में आने पर भी रोग का संचरण हो सकता है। जो रोग
एक संक्रमित व्यक्ति या जीव से दूसरे स्वस्थ व्यक्ति में सूक्ष्म जीवों द्वारा फैलते हैं, उन्हें संचरणीय रोग कहते हैं। जैसे हैजा, सामान्य सर्दी जुकाम, क्षय रोग आदि। कुछ कीट व जंतु रोग फैलाने वाले सूक्ष्म जीवों को एक जीव से दूसरे जीव में लेकर जाते हैं। इन्हें रोगवाहक कहते हैं। जैसे घरेलू मक्खी कूड़े व जंतु अपशिष्ट पर बैठती है तो वहां पर अपने शरीर पर रोगाणु चिपका लेती है। फिर मक्खी खाने पीने की चीजों पर बैठती है तो रोगाणुओं का स्थानांतरण हो जाता है। इसका एक अन्य उदाहरण है मादा एनोफ्लीज, जो प्लाज्मोडियम का वाहक है। प्लाज्मोडियम जानते हो ना, मलेरिया के परजीवी। मादा एडीज मच्छर डेंगू के वायरस वाहक है। दीदी, इन रोगों से बचने का क्या कोई उपाय भी है? हाँ हाँ, इनसे बचने के उपाय भी समझाती हूँ। संचरणीय रोग जैसे सामान्य जुकाम से पीड़ित व्यक्ति को नाक व मुंह पर रुमाल रखकर छींकना चाहिए। हैजा से बचने के लिए कभी भी बिना ढके भोजन को नहीं खाना चाहिए। डेंगू से बचने के लिए अपने घरों के आसपास पानी को नहीं रुकने देना चाहिए। कूलरों का पानी भी बदलते रहना चाहिए। क्या जंतुओं में भी रोगकारक जीवाणु पाए जाते हैं? प्रयास, मनुष्यों के अलावा जीवाणु जंतुओं में भी कुछ रोग उत्पन्न करते हैं। जैसे एंथ्रेक्स, गाय में खुर व मुंह का रोग है। इसी प्रकार पौधों में भी जीवाणु रोग फैलाते हैं। सूक्ष्म जीवों द्वारा पौधों में होने वाले कुछ सामान्य रोग। पादप रोग है नींबू कैंकर। रोगकारक सूक्ष्म जीव है जीवाणु। इनका संचरण वायु द्वारा होता है। पादप रोग है गेहूं की रस्ट। संवाहक सूक्ष्म जीव है कवक और संचरण वायु एवं बीज द्वारा होता है। पादप रोग है भिंडी की पीट। रोगकारक सूक्ष्म जीव है वायरस और संचरण होता है कीट के द्वारा। कभी कभी सूक्ष्म जीव भोजन में विषैले पदार्थ उत्पन्न कर देते हैं और यदि कोई इस भोजन को खा लेता है तो उसे वमन होने लगती है और इस भोजन के खाने से व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। दीदी, एक बात और याद आ गई। एक बार आप आम लाई थी जो 3-4 दिन में ही सड़ गए थे, परंतु हम जो आम का अचार खाते हैं वह तो बहुत दिनों तक भी खराब नहीं होता। अरे भाई, चलो इसे भी समझते हैं। खाद्य पदार्थों को अधिक दिनों तक रखने के लिए जो प्रक्रिया अपनाते हैं वह है खाद्य परिरक्षण, यानी फूड प्रिजर्वेशन। और ये कई प्रकार से किया जाता है। जैसे सबसे पहले खाद्य पदार्थों को बचाने के लिए रासायनिक उपाय। अचार बनाने के लिए हम नमक व खाद्य तेल का प्रयोग करते हैं, जो सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोकता है। इन्हें परिरक्षक कहते हैं। सोडियम बेंजोएट, सोडियम मेटाबाइसल्फाइट आदि भी परिरक्षक का कार्य करते हैं। जैम और स्क्वैश बनाने में इन रसायनों का उपयोग किया जाता है। चीनी द्वारा परिरक्षण। चीनी के उपयोग से खाद्य पदार्थों की नमी में कमी आती है, जो सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोकती है। इस विधि द्वारा जैम, जेली आदि का निर्माण किया जाता है। तेल व सिरके का प्रयोग सब्जी, फल, मछली तथा मांस के परिरक्षण में किया जाता है। नमक का प्रयोग आमला, आम, इमली, मांस और मछली के परिरक्षण में किया जाता है। प्रयास, आपने देखा होगा कि मम्मी हमेशा दूध को गर्म करके रखती हैं। दूध को उबालने पर उसमें जो सूक्ष्म जीव होते हैं वे या तो नष्ट हो जाते हैं या उनकी वृद्धि रुक जाती है। हाँ प्रयास, आपने देखा होगा कि कई बार हम पाश्चरीकृत दूध को बिना उबाले ही प्रयोग कर लेते हैं। दूध को 70 अंश सेल्सियस पर 15 से 30 सेकंड तक गर्म किया जाता है, फिर एकाएक ठंडा कर उसका भंडारण कर लेते हैं। ऐसा करने से सूक्ष्म जीवों की वृद्धि रुक जाती है। इस प्रक्रिया को पाश्चरीकरण कहते हैं।
अच्छा दीदी, मैंने एक दिन देखा कि बाजार में सब्जियां पैकेट में बंद करके रखी हुई थी, ऐसा क्यों किया जाता है? प्रयास, मेवे तथा सब्जियों को वायुरोधी पैकेटों में सील करके रखा जाता है, जिससे वह सूक्ष्म जीवों से सुरक्षित रहती हैं। दीदी, जब मैं पिछली बार गांव गया था तो मैंने चने का पौधा मिट्टी से उखाड़ा था। मैंने देखा कि उसकी जड़ें कहीं कहीं से फूली हुई हैं। ये जड़ें कैसे फूल गई? क्या यह भी सूक्ष्म जीवों के कारण था? प्रयास, दलहन के पौधों की जड़ों में राइजोबियम नामक सूक्ष्म जीव होते हैं। यह लेग्यूम पौधों जैसे सेम और मटर की मूल ग्रंथिकाओं में रहते हैं, जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक होते हैं। प्रयास, क्या तुम्हें नाइट्रोजन चक्र के बारे में कुछ याद है? चलो मैं बताती हूँ। वायुमंडल में लगभग 78% नाइट्रोजन गैस होती है और जीव जंतु नाइट्रोजन गैस का सीधे उपयोग नहीं कर सकते। बिजली चमकने पर वायुमंडलीय नाइट्रोजन नाइट्राइट और नाइट्रेट्स में बदल जाती है, जो वर्षा के जल के साथ भूमि में मृदा में मिल जाते हैं। दूसरी तरफ दलहन पौधों की जड़ों के नोड्यूल्स यानी गांठों में उपस्थित राइजोबियम जीवाणु नाइट्रोजन को अमोनिया में बदल देते हैं, जिसके जल में घुलनशील रूप का प्रयोग पौधों द्वारा किया जाता है। वह नीले हरे शैवाल भी वायुमंडलीय नाइट्रोजन को अमोनिया में बदल देते हैं, जिन्हें अन्य जीवाणु नाइट्रेट्स में बदलते हैं। नाइट्रोजन के इन यौगिकों का प्रयोग पौधों द्वारा किया जाता है और यह नाइट्रोजन प्रोटीन, क्लोरोफिल और न्यूक्लिक अम्ल और विटामिन में उपस्थित मुख्य तत्व है। पौधों पर निर्भर करने वाले जंतु उनसे प्रोटीन एवं नाइट्रोजनी यौगिक प्राप्त करते हैं। पौधों एवं जंतुओं की मृत्यु के बाद मिट्टी में उपस्थित जीवाणु एवं कवक नाइट्रोजनी अपशिष्ट को नाइट्रोजनी यौगिकों में बदल देते हैं, जो पौधों द्वारा उन्हें उपयोग कर लिए जाते हैं, और कई जीवाणु नाइट्रोजन यौगिकों को पुनः नाइट्रोजन में बदल देते हैं और वायुमंडल में वापस भेज देते हैं। तो है ना सूक्ष्म जीव हमारे लिए बहुत उपयोगी? हाँ, समझ गया दीदी, सूक्ष्म जीव हमारे लिए बहुत उपयोगी भी हैं और कुछ सूक्ष्म जीव हानिकारक भी। दीदी, मम्मी से बोलिए ना, अब तो यीस्ट का प्रयोग कर जलेबी बना दे प्लीज दीदी। ओके, लेकिन इसमें वक्त लगेगा, चलो हम भी मम्मी की मदद करते हैं।